दोस्तों, स्टॉक फॉर रिटेल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 3 टिप्स के बारे में जो कि आपको एक सफल निवेशक बना सकती है, और वीडियो के अंत में एक बोनस टिप भी है आप लोगों के लिए जिसका इस्तेमाल करने से आप शेयर मार्केट में होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। तो दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए इसमें आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, किसी भी कंपनी में निवेश करने के पहले उसके फंडामेंटल्स की जाँच अच्छे से कर लेनी चाहिए। फंडामेंटल्स यानी कि कंपनी कितनी भरोसेमंद है, कंपनी में ग्रोथ क्या रही है पिछले 5 सालों की, कंपनी की ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, उसका ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, अर्निंग पर शेयर कितना दे रही है, कंपनी डिविडेंड देती है या नहीं देती है, कंपनी का डेब्ट क्या है, रिटर्न ऑन एसेट्स क्या है, कंपनी का फंडामेंटल बिजनेस मॉडल क्या है और आने वाले उस बिजनेस मॉडल में ग्रोथ की संभावनाएं क्या हैं। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर मैंने वीडियोस बना रखी हैं, तो आप उससे डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस जो है किसी भी सफल निवेशक का जो है मूल मंत्र होता है, इसलिए किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले हमारी जो है उस कंपनी के बारे में फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। दोस्तों, दूसरा नियम है नेवर लूज मनी। दुनिया के सबसे सफल और महान निवेशक का कहना है कि रूल नंबर 1 होना चाहिए नेवर लूज मनी, और दूसरा रूल होना चाहिए नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1, यानी कि अपने आप को कभी नुकसान ना होने दे, और दूसरा रूल कि पहले रूल को कभी भूल लेना। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आज तक कोई ऐसा नहीं है जिसे नुकसान ना हुआ हो। ऐसे में हमें कोशिश क्या करनी चाहिए कि हमें कम से कम नुकसान हो। नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड, यानी कि ट्रेड ना लेना भी एक ट्रेड करने के बराबर है। तो दोस्तों, किसी भी निवेश में अपने लॉस को कम से कम रखने के लिए आपकी जो फंडामेंटल एनालिसिस है कंपनी के बारे में बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इसका मतलब है जितनी अच्छी फंडामेंटल एनालिसिस उतना लॉस होने के चांसेस कम रहेंगे। दोस्तों, इमोशन एक ऐसी चीज़ है जो कि कभी कभी बड़े इन्वेस्टर्स का भी इसने बहुत बड़ा लॉस करा दिया है। तो होता क्या है कि कभी कभी हम भावनाओं में बहकर जो एक सही समय पर डिसीजन लेना होता है वो हम नहीं ले पाते हैं और हमें बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। हम क्या करते हैं कि फियर और ग्रीड में हम आकर कभी कभी गलत ट्रेड ले लेते हैं और जिससे हमें लॉस हो जाता है। मान लीजिए दोस्तों, आपने एक स्विंग ट्रेड लिया और आपका टारगेट मान लीजिए 4 रुपये का है, और अगले ही दिन वो जो शेयर प्राइस था वो मान लीजिए 50 पैसे गिर गया। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? आपको लगेगा अरे ये तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, तो आप झट से उसको बेच दोगे ना। लेकिन अगर आप सोचिए कि अगर आपने अच्छे से टेक्निकल एनालिसिस करके उसको लिया हुआ है और आपको पता है कि वो ऊपर जाएगा, तो आपको बेचना क्यों है? दोस्तों, एक बार आपने सेल या बाई की कमिटमेंट कर दी तो आपको फिर अपने आप की भी नहीं सुननी चाहिए। अगर आपका उस स्टॉक पे टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस स्ट्रांग है तो वो ज़रूर आपकी दिशा में ही जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि मैं आपको एक बोनस टिप देने वाला हूँ, तो बोनस टिप कुछ नहीं बल्कि आपकी स्क्रीन के सामने है। दोस्तों, गूगल एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप कुछ भी दिमाग में आपके आए, कुछ भी मन में आए, उसके बारे में आप बस सर्च करिए और आपको उसका जवाब झट से मिल जाता है। तो मेरा टिप भी इसी पर बेस्ड है। तो आपको करना क्या है कि आप जब मन बना चुके हैं कि भाई मुझे इस स्टॉक में निवेश करना है या इस स्टॉक में मुझे स्विंग ट्रेड लेना है, तो बस उसके बाद आपको क्या करना है कि गूगल जी का सहारा लेना है और गूगल पे जाके बस उस कंपनी के बारे में थोड़ी सी सर्च करनी है। दोस्तों, हालांकि फंडामेंटल एनालिसिस के दौरान आपने काफ़ी सर्च किया होगा उस कंपनी के बारे में, लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप का सर्च है जो मैं बोल रहा हूँ। इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी ने कहीं फ्रॉड तो नहीं किया या किसी स्कैम में तो नहीं है। तो दोस्तों, गूगल पे जाके आप बस कंपनी का नाम टाइप करना है और उसके आगे लिखना है स्कैम। दोस्तों, ऐसे उदाहरण के तौर पर यहाँ वक्रंगी मैंने लिखा, वक्रंगी स्कैम, और गूगल सर्च में देखिए क्या क्या जवाब आया मेरे पास। सेम्स टू बी अ फ्रॉड कंपनी, ओवर 25,000 करोर, क्रैश, वक्रंगी कम्स अंडर सेवी स्कैनर, वर्स्ट कंपनी, फ्रॉड विथ एम्प्लॉयज। दोस्तों, यहाँ पे मैं छोटा सा एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन या किसी तरह की सलाह नहीं है कंपनी के नाम के बारे में, या एकमात्र उदाहरण के तौर पर मैं आपको गूगल में सर्च करके दिखा रहा हूँ कि कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, हर तरह की एनालिसिस करने के बाद आपको क्या करना है कि गूगल पे जाके कंपनी का नाम और सीधे स्कैम लिखना है, तो आपको उससे जुड़ी सारी जानकारी एक ही पेज में मिल जाएगी।
दोस्तों, अगर यही चीज़ हम अशोक लेलैंड के साथ रख के सर्च करके देखें तो हमें देखिए इतने सारे रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन हमें स्कैम के नाम पर या ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जिससे स्कैम से जुड़ा हो। तो दोस्तों, आप भी इस वीडियो में दिए गए टिप्स और रूल्स को फॉलो कर एक सफल निवेशक बनने की राह में आगे बढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।